नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। देखिए, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले जो कि हमें दिनेश कुमार और कुछ और लोगों ने सेंड किए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके 24 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आइए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम आज थे तो कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, करें यदि नल ए एक टंकी को 100 मिनट में, नल बी 120 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 200 मिनट में खाली कर सकते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। पाइप एंड टंकी के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। हमें इसमें करना क्या है, आपको बात कर रहा है तीन नलों की। आप सबसे पहले तीनों नलों को देख लो, एक बोल रखा है ए, एक बी, एक सी। पहले नल के बारे में बोला है कि 100 मिनट में भरता है, दूसरे नल के बारे में 120 मिनट में भरता है, लेकिन तीसरे नल के बारे में बोला है कि 200 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसे हम नेगेटिव साइन में रख लिए 200 मिनट में, बिकॉज ये खाली कर रहा है, तो इसे हमने नेगेटिव साइन में रख लिया। उसके बाद हमने आपको टाइम एंड वर्क का फंडा क्या बताया कि आप एलसीएम लो, तो 100, 120 एंड 200 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 600। अब 600 हमारा एलसीएम आ गया, उसके बाद हम इसे एलिगेट कर लेंगे। एलिगेशन में जैसा कि आपको पता होगा हम सब्ट्रैक्शन नहीं डिवाइड करते हैं, तो 600 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, तो 6, एंड 600 डिवाइडेड बाई 120 कितना हो जाएगा, तो 5, एंड 600 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो जाएगा, 3। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपके नेगेटिव साइन है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दिया। इतना सबसे पहले आपको जो दिया गया वो लिख के इतने 3 स्टेप्स वर्क कर लो। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लो, फिर एलसीएम निकाल लो, फिर एलिगेट कर लो, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को पढ़ो। कह रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अगर तीनों नल को एक साथ खोलेगी तो टंकी कितने देर में भरेगी। उसके लिए हमें ये 600 ये सारी चीज़ क्या है ये हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 600 ये सारी चीज़ हम निकलवाए क्यों है, तो 600 को हम मान लेते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे 600 यूनिट, एंड 6, 5, -3 इन सारे को हम मान लेते हैं कि हमारी एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य करने की क्षमता है, कि ए नल जो है एक मिनट में 6 यूनिट भरेगा, बी नल एक मिनट में 5 यूनिट भरेगा, सी नल एक मिनट में 3 यूनिट खाली कर देगा। अब आप क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन कर रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। तो अगर पहला नल एक मिनट में 6 यूनिट भरता है, दूसरा 5 यूनिट, तीसरा 3 यूनिट खाली कर देता है, तो तीनों मिलकर एक मिनट में कितना वर्क करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का वर्क निकाल लेंगे, तो अगर ए 6 यूनिट भरेगा, बी 5 यूनिट, यानी 11 यूनिट तो इन लोगों ने भर दिया, बट सी आपका 3 यूनिट खाली कर दिया, यानी कि एक घंटे में तो हमारा 8 ही यूनिट भरेगा, 11 - 3 यानी 8 यूनिट। तो अगर एक मिनट में हमारे 8 यूनिट भरता है और टोटल भरने 600 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, तो 600 डिवाइडेड बाई 8 मिनट्स। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, 8 से किया तो 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, यानी कि 75 मिनट्स इसे लगेंगे टोटली भरने में। तो ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, बसरते आप इस चीज़ पे फोकस कर लो। खाली वर्ड जहाँ ही बोले आपको वहाँ पे माइनस साइन पुट कर देने, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें ही गलती करके आ जाते हैं, बट आपको जहाँ भी खाली दिखे आप वहाँ पे माइनस साइन पुट कर दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एक कार को 480 किलोमीटर की दूरी निश्चित चाल से तय करता है, एक कार जो है 480 किलोमीटर की दूरी जो है निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए तो उसे 2 घंटे कम समय लगेंगे, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। ये आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें करने क्या है, हम मान लेते हैं कि पहले उसे समय लगते थे T1, एक जगह पे जाने पे उसे पहले समय लगते थे T1, बट अगर वो स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है, तो अब उसे टाइम कितने लग रहे हैं, T2 लग रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी T1 - T2 = 2 आवर्स। अब T1 आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। अब आप ये सोच रहे हैं क्यों ना हम स्पीड इनटू डिस्टेंस डायरेक्टली कर देते, चाल है एस, हमने माना चाल एस है, तो अगर 10 किलोमीटर घटेगा तो S - 10 × T 2 घंटे कम लगे, S + 10 एंड 2 घंटे कम लगेंगे, तो T - 2 = हम सीधे 480 डिस्टेंस रख देते। ये भी आप कर सकते थे, बट उसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे आपको एस एंड टी दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे, बट हम जो मेथड बता रहे हैं उससे आपको एस एंड टी दोनों वेरिएबल्स नहीं आएंगे, बस एक वेरिएबल आएगा। आपको चाल पूछा है तो इसे टाइम के रूप में चेंज कर दो, आप T1 - T2 = 2 हो गया। एंड हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो पहले उसकी डिस्टेंस तो आपकी सेम है 480, बट पहले उसे टाइम लगता था, पहले की अगर टाइम की बात करें तो स्पीड उसे कितने, अगर एस स्पीड से चलेगा, अगर पहले वो एस स्पीड से चलता तो टाइम उसे लगेंगे 480 / s, माइनस हो गया 480 / अगर सेकेंड स्पीड की बात करें,
सेकेंड टाइम की बात करें तो 480 तो हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, यानी एस प्लस 10 इक्वल टू हमारा क्या हो गया तो 2। आपको यहाँ पे 10 से आंसर नहीं आने वाला है, आपके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते, तो हमें उन्होंने भेजा था कि इस तरीके के क्वेश्चंस थे बट एग्जैक्ट उन्हें डाटा नहीं मालूम था, तो यहाँ पे हमने 20 शायद आपके डाटा में 20 होंगे तो हम इसे 20 करके सॉल्व कर देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 20 हो गया, एस प्लस 20 इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको क्या कर ले, जैसे जैसे आपको सबसे पहले आपको क्या कर लेने होंगे कि हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे जैसे आपको बिल्कुल आपको एलजेब्रिक फॉर्म हो गया आप इसे आसानी से तोड़ सकते हो, 480s प्लस 9600 माइनस 480s क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वल टू 2, 480s से 480s कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या हो गया 2 से भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने किया तो 9600 इक्वल टू हो गया 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 20s। अब हमने 2 से इसे सबसे पहले आप चाहो तो कैंसिल कर दो वरना आप छोड़ भी सकते हो, तो हम अगर 2 से कैंसिल कर दें तो ये हमारा हो क्या जाएगा, इसे हमने 2 से कैंसिल कर दिया तो ये हमारा हो गया 4800। तो हमारा आ गया क्या, तो 4800 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 20s, तो एस स्क्वायर प्लस 20s माइनस 4800 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आ गया 20s माइनस 4800, अब हम 4800 जो है उसे ऐसा क्या करें कि हमारे इसके फॉर्म में आ जाए, तो एस स्क्वायर प्लस 80s माइनस 60s माइनस 4800 इक्वल टू हो गया 0। अब आप इसे टोटली आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो एस इंटू एस प्लस 80 माइनस 60 इंटू एस प्लस 80, तो एक चाल हमारा आ जाएगा 60, एक आ गया माइनस 80, यानी कि उसके पहले चाल कितनी हो जाएगी, तो 60 किलोमीटर पर आवर 60 मीटर पर सेकेंड, उसकी वास्तविक चाल की बात करें तो नहीं 60 किलोमीटर पर आवर ही आपका, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी वास्तविक चाल हो गई। ये हुई इसके बनाने की तरीके। अगर आप 10 रखते हो तो आपको कोई भी वैल्यू रखो आपका सॉल्व नहीं होने वाला है, बट अगर 20 रखते हैं तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा कह रहा है ए बी तथा सी है, इसे मैं आपको पहले अच्छी तरीके से कर देती हूँ। कह रहा है कि ए बी तथा सी को 55,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, ए बी और सी को 55,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होता है, ए और बी को जो है पूरी लाभ का 8/11 मिलता है, तो सी का लाभ ज्ञात करें। ये तो आपको बहुत ही सिंपल है, तीनों का लाभ दे रखा है 55,000, बोल रखा है कि ए और बी को 8/11 मिलता है, तो ए और बी का लाभ कितना हो गया, तो 55,000 इंटू 8/11, अब ये हमारा हो गया 5,000, यानी कि हमारा आ गया 40,000 ए और बी का लाभ हो गया, तो सी का लाभ कितना हो जाएगा, तो जितना तीनों को मिला माइनस जितना इन दोनों को मिलेगा, तो 55,000 माइनस 40,000 रुपये, तो हमारा सी का लाभ हो गया 15,000, सी का लाभ हो गया 15,000। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इजी था, आप चाहते हो तो यहाँ पे सीधे 8/11 तो बी को ही मिल रहे हैं, और टोटल हमने माना 1 पार्ट है, तो 1 माइनस 8/11 यानी 3/11 सी को मिल रहे होंगे, तो 55,000 इंटू 3/11 आप आसानी से भी करके आसानी से 15,000 कर सकते थे, बट ये लॉजिक भी आपका ईजी है, आपको ये हमेशा याद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा आपके इस तरीके से था, उन्होंने हमें सेंड किया कि इस 2 अ प्राइम नंबर एंड इस 4 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद शायद आपके ऑप्शन होंगे कि ए सही है बी सही है या दोनों में से कोई नहीं सही है, इस तरीके से। तो आपको मैं बता दूं कि 2 जो है आपके एक प्राइम नंबर होता है, बिकॉज 2 जो है खुद और अपने आप से कटता है, और अगर 4 की बात करें तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, जिसमें क्या हमारा अंडर रूट माइनस 4 इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे होते हैं ए प्लस बी आई के रूप में, मतलब जहां आई बराबर क्या होता है तो अंडर रूट माइनस 1, जहां भी हमारे इस तरीके से हो, और बी जो है हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहां पे हम देखें तो 4 तो हमारा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने वाला, बिकॉज रूट माइनस 1 तो इसका हमारा कहीं से आएगा ही नहीं, यानी कि 4 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे तरीके से बुक्स में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा कह रहा है एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको करने क्या है, आपको बात कर रखा है एक सम चतुर्भुज की, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके लिए एक सम चतुर्भुज ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से एक हमारा सम चतुर्भुज ड्रॉ हो गया, इसका नेमिंग हमने कर दिया ए बी सी एंड डी। अब आपको जैसा कि पता होगा इसके अंदर क्या है, हमारे एक सम चतुर्भुज में हमारे अंदर से इस तरीके से ये एक डायगोनल हो गया, एंड फिर एक इसके जस्ट रिवर्स से एक डायगोनल हमारा जाएगा इस तरीके से, ये हमारा हो गया सम चतुर्भुज तैयार। अ
अब यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि समचतुर्भुज की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसका नेम हमने रखा क्या, तो ओ। ये तो हमारा आपको यहाँ तक पता चल गया कि ओ। अब आपको दे रखा है कि इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, आपको पता है कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी AB इक्वल टू हमारी हो जाएगी कितनी, तो 5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और विकर्ण की बात कर रहे हैं तो हमने विकर्ण AC लिया बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग हमारा AB भी आ रहा है, तो AC इक्वल टू हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको एक ये वाले जो ट्रायंगल है AOB से मैं आपको अलग से बना देती हूँ। इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नेमिंग है हमारा क्या, तो AO एंड B, एंड ये वाला जो एंगल है जो हमारा समकोण है। तो हमें करने क्या होंगे, यहाँ पे अगर हमें ये वाले तो पता है वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यूज़ पता हो जाए तो हमें इजी हो जाएगा, तो हमें AO तो आसानी से पता चल जाएगा, जैसा कि हमने बोला ये बाइसेक्ट करता है, तो AO इक्वल टू क्या हो गया, AC/2 यानी 8/2, तो AO इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, AO हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, BO फाइंड आउट कर लेने, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BO इक्वल टू हो गया √AB² - OA² यानी 5² - 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। अब BO आ गया 3 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या पता है, तो ½ × 1st diagonal × 2nd diagonal, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के भी कर सकते हो, ½ × base × height करेंगे तो उससे भी हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बट ये तो हमारे एक ट्रायंगल का आएगा ½ × base × height करने से, ऐसा ऐसा आपके 4 ट्रायंगल्स इसमें ऐड होंगे, तो चारों के तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर एरिया की बात करें, अगर हम ट्रायंगल से निकालें तो एरिया इक्वल टू 4 × ½ × base × height। अब बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हो गया 5, एंड हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो हाइट आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे आपके बेस कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे हमारा, तो ये सामने वाला कुछ होता नहीं है, सामने वाला हमारा 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 4। अब हमने इसे सॉल्व किया तो 2 × 4 = 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर² आ गया। ये हो गया एक तरीका। अगर ये तरीका आपको हार्ड लग रहा है थोड़ा सा ट्रायंगल का, इसमें हमें एरिया निकालना पड़ा, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, आपको BO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हम BD निकाल देंगे, BD इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, तो BD इक्वल टू 2 × 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया पता है, 1/2 × diagonal 1st × diagonal 2nd, तो 6 × 8, तो यहाँ से हमारा आ गया कितना, तो 24 सेंटीमीटर². तो ये हो गई हमारे आज के क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप हमारे वो वीडियोस भी देख सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम थे, तो आप प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी उन सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।